हेलो स्टूडेंट, जो आज का टॉपिक है फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हमें फॉर्मूले फाइंड आउट करने हैं जब आपका ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में क्या हो, मोशन में हो। आप कंसीडर करते हो कि हर एक गांव में कोई ना कोई एक चौराया है। चौराया मतलब जहाँ से चार रास्ते जाते हो। तो वन ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। तो ये क्या हो गया एक्स, ये क्या हो गया एक्स डैश, ये क्या हो गया वाई, और इस पाथ को बोल दिया वाई डैश। एक ऑब्जेक्ट है जिसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। इंस्टेंट टाइम पे ये पार्टिकल ए पॉइंट पे है। इंस्टेंट टाइम क्या हो गया टी वन। इंस्टेंट टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी है वो है वी वन। आफ्टर सम टाइम ये पार्टिकल इस जगह बी पोजीशन पे। इंस्टेंट टाइम टी टू एंड वेलोसिटी क्या है इसकी वी टू। कंटिन्यू चलता ही जा रहा है। ओरिजन से ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो हो गई एक्स वन, और ये जो टोटल है अपने पास बी तक ये हो गई एक्स टू। फर्स्ट जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, हमने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन। एक्सेलरेशन जो है अपने पास फाइंड आउट करना है यहाँ। तो ए पोजीशन पे वेलोसिटी है वी वन और बी पोजीशन पे वेलोसिटी है वी टू। तो कितना चेंज आया इसमें, मान लो यहाँ कितनी है वी वन 15 है मीटर पर सेकेंड, और बी पॉइंट पे है वी टू है अपने पास, मान के चलो कि अपने पास है 40 मीटर पर सेकेंड। अपने पास क्या है 40 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितना हुआ, हम क्या करते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या हुआ वी टू माइनस में वी वन, 40 माइनस में 15, 5, 25, कितना चेंज आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है अपने पास, एक्सेलरेशन आ गया ए इक्वल वी टू माइनस में वी वन। मान लो इंस्टेंट टाइम यहाँ था 5 सेकेंड, मान के चलो कुछ भी यहाँ था अपने पास 20 सेकेंड, तो कितना समय लगा यहाँ से आने तक इसको, 20 माइनस में 5 तो कितना लगा 15। तो टाइम टेकन क्या हो गया टी टू माइनस में टी वन, क्या हो गया टी टू माइनस में टी वन। तो इसको क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो आ गया ए टी टू माइनस टी वन इक्वल वी टू माइनस वी वन। इफ ये जो ओरिजन है आपने क्या शिफ्ट किया, ए पॉइंट के ऊपर शिफ्ट कर दिया। ओरिजन जो है आपके पास ये जो ओ है कहाँ शिफ्ट कर दिया, ए पॉइंट पे कंसीडर किया आपने। तो ए पॉइंट आप किस जगह है, जीरो पे। तो एक्स वन क्या हो गया, जीरो। एक्स वन क्या हो गया, जीरो। और एक्स टू क्या हो गया अपने पास, जो ये था एक्स टू माइनस में एक्स वन, ये हो गया x। और t1 क्या हो गया यहां पे डियर स्टूडेंट, t1 जो है t1 हो गया जीरो, t2 कंसीडर कर लिया t, और v2 जो है फाइनल वेलोसिटी है v, और इनिशियल वेलोसिटी है v1 u। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, टी टू माइनस में टी वन तो क्या आ गया ए टी, वी टू किसके इक्वल हो गया वी, और वी वन किसके इक्वल आ गया अपने पास यू। तो अपने पास जो ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन क्या आ गया, वी इक्वल यू प्लस ए टी। ये जो रिलेशन है ये u लेफ्ट हैंड की तरफ ले गए तो ये माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या हो गया v इक्वल u प्लस ए टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए। क्यों कौन सी हो गई, फर्स्ट ए। अब रिलेशन फाइंड आउट करना आपने पोजीशन एंड टाइम के बीच में। हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए टू बी, टोटल डिस्प्लेसमेंट किसकी बात कर रहे हैं, ए टू बी की बात कर रहे हैं, ए टू बी। तो एक्स टू माइनस में एक्स वन ये क्या आ गया इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ए बी की वैल्यू, तो क्या आ गया वी ए वी इक्वल एक्स टू माइनस में एक्स वन। टोटल टाइम कितना लगा पार्टिकल को ए टू बी पर आने के लिए, टोटल जो टाइम लगा है वो लगा है टी टू माइनस में टी वन। वही आप क्या करो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया अपने पास x2 माइनस x1 इक्वल एवरेज वेलोसिटी टी टू माइनस में टी वन। और क्या होती है अपने पास एवरेज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टू। इनिशियल जो वेलोसिटी है v1 किसके इक्वल है u, किसके इक्वल है
यू के इक्वल है, और फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल है, वी टू वी के इक्वल अपॉन मी टू। इक्वेशन नंबर थर्ड, पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड ए, तो क्या हुआ, एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल एवरेज वैल्यू क्या हो गई, यू प्लस वी अपॉन में टू, और क्या आ गया, टी टू माइनस में टी वन। इक्वेशन नंबर थ्री ए, अपने पास इक्वेशन फर्स्ट ए क्या था, वी इक्वल यू प्लस ए टी, और एक्स टू माइनस में एक्स वन मान लिया आपने, यहाँ जो है टोटल जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, और टी टू माइनस में टी वन क्या है, टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम। तो अपने पास क्या आया, यहाँ से ये वैल्यू किस में पुट किया आपने, इक्वेशन नंबर थ्री ये, तो अपने पास आ गया एक्स टू माइनस में एक्स वन क्या हो गया, एक्स, यू वी की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हुआ, यू प्लस ए टी और इंटू में टी अपॉन में टू, तो क्या हुआ, टू यू और मल्टीप्लाई टी प्लस ए, और मल्टीप्लाई टी करेंगे तो क्या हुआ, टी स्क्वेयर अपॉन में टू। तो एक्स आ गया अपने पास एक्स, यहां देख लो ये एक्स आ गया, अलग अलग करो आप, टू यू टी अपॉन में टू प्लस ए टी स्क्वेयर अपॉन में टू, टू से टू कैंसिल, तो एक्स आ गया अपने पास यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इक्वेशन नंबर थ्री बी, ये जो रिलेशन आ गया अपने पास, कौन सा रिलेशन आ गया, पोजीशन एंड टाइम किसके बीच में आ गया, ये जो रिलेशन है, रिलेशन पोजीशन और टाइम के बीच में। अब लास्ट निकालना है फाइनल हमें रिलेशन बिटवीन पोजीशन एंड वेलोसिटी, किसके बीच में निकालना है, पोजीशन एंड वेलोसिटी के बीच में। तो अपने पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन क्या, अपने पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो है अपने पास वेलोसिटी का, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन का क्या है अपने पास, एक्सेलरेशन का हो गया अपने पास चेंज इन चेंज इन वेलोसिटी
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अपने पास इस जगह देखो, इस फॉर्मूले में टी को रिप्लेस किया आपने यहाँ, टी चेंज इन वेलोसिटी वी टू माइनस में वी वन अपॉन में एक्सेलरेशन। वी टू किसके इक्वल है? फाइनल वेलोसिटी वी, और वी वन किसके इक्वल है? इनिशियल वेलोसिटी यू अपॉन में एक्सेलरेशन। और टी किसके इक्वल था अपने पास? टी टू माइनस में टी वन। पुटिंग दिस वैल्यू टी क्या हो गया? टी टू माइनस में टी वन। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड ए, तो क्या हुआ? एक्स टू माइनस में एक्स वन, एक्स एवरेज वैल्यू क्या है अपने पास? इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी वी प्लस में यू अपॉन में टू। और टी टू माइनस टी वन की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? वी माइनस में यू अपॉन में ए। हमने फॉर्मूला पढ़ा था डियर स्टूडेंट, ए माइनस में बी, ए प्लस में बी किसके इक्वल होता है? ए स्क्वेयर माइनस में बी स्क्वेयर। यहाँ भी क्या हो गया? वी ए की जगह क्या है? वी, और बी की जगह क्या है? यू। तो अपने पास आ गया एक्स इक्वल वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन में टू ए अपॉन में टू ए। तो अपने पास फॉर्मूला आ गया वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू ए एक्स। ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन बिटवीन पोजिशन एंड वेलोसिटी, ये रिलेशन हो गया पोजिशन एंड टाइम। और ये रिलेशन क्या हो गया अपने पास? दिस रिलेशन रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। ये थे अपने पास थ्री इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है x इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड है अपने पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू ए एक्स। थैंक यू।